नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के लिए क्या कहता है सट्टा बाजार ओपिनियन पोल, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है। 8 फरवरी को इसके लिए वोटिंग की जाएगी और 11 फरवरी को इसके रिजल्ट आएंगे। दिल्ली विधानसभा की इन 70 सीटों के लिए एक ही चरण में यहां पर वोटिंग की जा रही है और सट्टा बाजार के क्या आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं। अब की बार दिल्ली के अंदर किसकी सरकार, क्या दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी यहाँ पर वापसी कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं केजरीवाल जो अपने विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, क्या उनको विकास के नाम पर वोट मिलेंगे। साफ तौर पर कहना है, अगर मैंने दिल्ली के अंदर काम किया है तो मुझे वोट दें। भाई प्रधानमंत्री मोदी जी अमित शाह का साफ तौर पर निशाना है। अमित शाह ने 5 साल नहीं, सिर्फ 5 महीने, आखिरी 5 महीने में काम किया है, उनका ऐसा दावा है। लेकिन दिल्ली में आपकी बार किसकी सरकार और यहाँ पर सट्टा बाजार क्या आंकड़े यहाँ पर दिखा रहा है। लेकिन इससे पहले कुछ और आंकड़े आपको दिखाते हैं। पहला चुनाव जो जीता था वो बीजेपी ने जीता था 1993 से, और इसके बाद अब तक बीजेपी दिल्ली में वापसी नहीं कर पाई है। और 3 सत्र तक यहाँ पर कांग्रेस, और यहाँ पर कह सकते हैं कि 2013 और 2015 को चुनाव अरविंद केजरीवाल, लेकिन 2020 में कौन जीतेगा इसके लिए भी आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं, जिसमें यहाँ पर केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी जी से भी यहाँ पर बेहतर काम करने वाले दिल्ली के अंदर यहाँ पर नेता निकल कर सामने आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी को नुकसान हो सकता है, ये आंकड़े यहाँ पर हैं। और इन आंकड़ों के हिसाब से जिस प्रकार से झारखंड में इन मुद्दों को बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था, जिसमें आर्टिकल 370 की बात करें या कई ऐसे मुद्दे रहे जो इंटरनेशनल लेवल के मुद्दे हैं, उनको लेकर राज्यों में बीजेपी उतरी है, उससे बीजेपी को नुकसान हुआ है। क्योंकि राज्यों में जो मांग है जनता की, वो महंगाई मांग है या प्रदूषण मांग है या एजुकेशन सिस्टम या बेरोजगारी है, अर्थव्यवस्था या नौकरी की सवाल हो या प्रति प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए कई ऐसे मुद्दे हैं, इनको ही यहाँ पर राज्यों में मुद्दा बनना चाहिए, ये लोगों की मांग है। और क्या चुनाव से पहले क्या कहता है जनता का मूड दिल्ली के अंदर, अगर बात करें तो दिल्ली में किसकी सरकार बन सकती है, किस परसेंट बीजेपी के चांसेस हैं। आम आदमी को 62% लोग मानते हैं कि उनकी सरकार बन सकती है, कांग्रेस को सिर्फ 8% यहाँ पर मानते हैं लोग। तो दिल्ली में किसकी सरकार, इसके लिए क्या कहता है सट्टा बाजार का ओपिनियन पोल। अगर बात करें 70 सीटों के लिए 36 सीटों पर सरकार बन जाती है, पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है। अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर भी अरविंद केजरीवाल कहीं ज्यादा यहाँ पर आंकड़ों में दिखाई दे रहे हैं। तो क्या कहता है सट्टा बाजार, लेकिन सट्टा बाजार आंकड़ों के आधार पर ही ये सर्वे तैयार करते हैं। लेकिन 2019 के लिए जो लोकसभा के आंकड़े निकले थे वो बेहद ही चिंतापूर्ण थे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने सभी 7 सीटें हासिल की थी और एक अच्छे वोट शेयर के साथ हासिल की थी। तो ये भी सर्वे में गौर करने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी तीसरी बड़ी पार्टी दिल्ली के अंदर बनी थी लोकसभा चुनाव 2019 के लिए। तो सट्टा बाजार का ओपिनियन पोल क्या कहता है, सट्टा बाजार का ओपिनियन पोल यहाँ पर जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों के आधार पर इस तरह के आंकड़े तैयार किए जाते हैं। उन आंकड़ों में बीजेपी 16 सीटों पर सिमट सकती है, आम आदमी पार्टी 45 सीटों पर आ सकती है, कांग्रेस को 9 सीटें यहाँ पर मिल सकती है, क्योंकि कांग्रेस लगातार विधानसभा चुनाव में अच्छा यहाँ पर तैयारी कर रही है और कह सकते हैं कि अन्य चुनाव में भी यहाँ पर कांग्रेस को पिछले सत्रों के मुकाबले यहाँ पर फायदा हुआ है। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस को यहाँ पर फायदा हो सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी की एक बार फिर से सरकार बनती नजर आ रही है, ये सट्टा बाजार के आंकड़े यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं। लेकिन सट्टा बाजार के आंकड़े कभी यहाँ पर सही भी होते हैं, कभी ये आंकड़े फेल भी हो जाते हैं, ये कई चुनावों में देखा गया है और कई चुनावों में ये आंकड़े सही भी साबित हुए हैं। तो ये आंकड़े बदल भी सकते हैं, हो सकता है किसी तरह के आंकड़े निकले। लेकिन आपको क्या लगता है दिल्ली में आपकी बार किसकी सरकार, इन 70 सीटों में से आम आदमी पार्टी को कितनी, बीजेपी को कितनी और कांग्रेस के हिस्से में कितनी सीटें जा सकती हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आने वाली जानकारी का नरिश आपको टाइम टाइम मिलता रहे।